अखिलेश यादव लखनऊ में पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। उपचुनाव को लेकर ये मुलाकात हो सकती है। पार्टी कार्यालय पर पार्टी के नेताओं और पदाधिकारियों से मुलाकात करने का कार्यक्रम है। सुबह 11:30 बजे पहुंचेंगे सपा दफ्तर और 11:30 बजे ये कार्यक्रम रखा गया है। उत्तर प्रदेश की सियासत में इन दिनों शब्दों के बाण छोड़े जा रहे हैं। अखिलेश यादव जो भी मुद्दा उठा रहे हैं, सीएम योगी के पास उसका ठोस और सबूत के साथ जवाब होता है, क्योंकि जब अखिलेश यादव ने माफिया की बात की तो सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी के नेताओं की लिस्ट गिना दी, जिस पर गैंगरेप और रेप जैसे गंभीर मुकदमे दर्ज हैं। इसी पर सियासी संग्राम मचा हुआ है। सीएम योगी और अखिलेश यादव के बीच छिड़ी जंग में नए नए शब्दबाण हैं। माफिया, मठाधीश से आगे एसटीएफ, डकैत और कुत्ते की दुम पर संग्राम है, क्योंकि अखिलेश जो भी बोलते हैं, योगी के पास उनके एक एक सवालों का करारा जवाब होता है। केवल इनके बारे में मुझे एक शायर की बात याद आती है कि नजर नहीं है लेकिन नजारों की बात करते हैं, जमी पे चांद सितारों की बात करते हैं, वो हाथ जोड़ के बस्ती को लूटने वाले भरी सभा में ये सुधारों की बात करते हैं। इन्होंने लूटा है। आप यूपी के अंदर ये तो दो लड़कों की जोड़ी गुमराह करने के लिए आई है। इन्होंने लूटने के सिवाय, अपने परिवार के सिवाय किसी का कोई हित नहीं किया है। जिस लड़ाई की शुरुआत अखिलेश यादव ने की, उसे अंजाम तक अब योगी पहुंचा रहे हैं और समाजवादी पार्टी के नेताओं के कारनामों को जनता के सामने ला रहे हैं। सीएम योगी ने कहा, पिछले कुछ दिनों से बेटियों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वाले जितने भी दरिंदे पकड़े जा रहे हैं, उन सबके संबंध समाजवादी पार्टी से ही है। यानी समाजवादी पार्टी आज दरिंदों का एक गैंग बन चुकी है। जैसे कुत्ते की दुम सीधी नहीं हो सकती, वैसे ही सपा के गुंडे सीधे नहीं हो सकते। सीएम योगी का निशाना अयोध्या के सपा नेता मोईद खान पर था, सपा नेता नवाब यादव पर था, सपा नेता वीरेंद्र बहादुर पाल और जाहिद बेग पर था, क्योंकि इनके कारनामे अब देश के सामने है। ये लोग गरीबों की जमीनों पर कब्जा करते हैं, अराजकता फैलाते हैं, देशद्रोही तत्वों को अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए प्रश्रय देते हैं, अराजकता फैलाते हैं। और इसीलिए मैं कह सकता हूं बहनों और भाइयों कि जैसे कुत्ते की पूंछ सीधी नहीं हो सकती, वैसे ही ये समाजवादी पार्टी के दरिंदे जो बेटियों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ये कभी ठीक नहीं हो सकते। इनके लिए तो कानून के दायरे में ला करके इन पे शिकंजा कसना पड़ेगा और हमारी सरकार वही काम कर रही है इनके साथ में। उत्तर प्रदेश सरकार को कम से कम टॉप 10 माफियाओं की सूची जारी करनी चाहिए। वो टॉप 10 माफिया कहां है और किस दल में, इसकी सबको जानकारी हो जाएगी। मुख्यमंत्री जी पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने अपने मुकदमे वापस लिए हैं, और कितने गंभीर मुकदमे लिए हैं, कितने गंभीर मुकदमे लिए हैं, ये हमारे आदरणीय माता प्रसाद पांडे जी सब जानते हैं उनके बारे में। भले ही अखिलेश यादव पार्टी पर लगे दाग को धोने की कोशिश कर रहे हों, लेकिन पिछले दिनों जो आरोप उनके नेताओं पर, विधायक पर लगे, उसको लेकर अब बीजेपी पूरी तरह से हमलावर है। अयोध्या में एसपी नेता मोहित खान पर गैंगरेप का आरोप है, कन्नौज में एसपी के पूर्व नेता नवाब यादव पर रेप का आरोप है, मऊ में एसपी नेता वीरेंद्र बहादुर पर रेप का मुकदमा दर्ज है और भदोही में एसपी विधायक जाहिद बेग का कोर्ट में सरेंडर हो चुका है। समाजवादी पार्टी के ये वो चेहरे हैं जिसका जिक्र सीएम योगी बार बार करते हैं, और योगी के इसी दांव से अखिलेश अब तनाव में है। जितने भी दरिंदे पकड़े जा रहे हैं, बेटी की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वाले, इनके संबंध समाजवादी पार्टी से ही सबके संबंध हैं। यानी समाजवादी पार्टी इन दरिंदों का
आज एक गैंग बन चुका है और यहां इन दरिंदों को चाहे वह अयोध्या में समाजवादी पार्टी के नेता के द्वारा एक निषाद गरीब निषाद बेटी के साथ किया गया व्यवहार रहा हो या इनका नवाब ब्रांड कन्नौज का नवाब ब्रांड हो, ये सभी आज समाजवादी पार्टी की पहचान बन चुकी है। यानी जिस जंग का ऐलान अखिलेश यादव ने किया था उस सियासी युद्ध में सीएम योगी अखिलेश के विरुद्ध आगे निकल चुके हैं, क्योंकि जो कारनामे समाजवादी पार्टी के नेताओं ने किए अब उस पर यूपी की सियासत लाल हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। आगे बढ़ते और मुरादाबाद की बात करते हैं। ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने विवादित बयान दिया है। शौकत अली ने मुलायम सिंह यादव को लेकर विवादित टिप्पणी की है। कुंदर की विधानसभा में जनसभा के दौरान उन्होंने कहा कि मुलायम सिंह ने जुए में साइकिल जीती थी, इसलिए उन्होंने अपनी पार्टी का चुनाव चिन्ह साइकिल रखा। मुलायम सिंह यादव ने अपनी पार्टी का बनाई और उन्होंने तो अपना सिंबल पसंद किया जिसको साइकिल है। क्यों जानते हैं? मुलायम सिंह यादव ने पहली बार दोबारा जुए में साइकिल जीता। प्रतापगढ़ में जानलेवा हमले मामले को लेकर वांटेड दो आरोपियों के घर पर पुलिस ने मुनादी कर नोटिस चस्पा किया है। आपको बता दें कि बीन मुजाकी गांव के रहने वाले संतोष सिंह और अरुण सिंह के खिलाफ जानलेवा हमले में मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने 15 दिनों का अल्टीमेटम दिया है, सरेंडर नहीं करने पर कुर्की वाली कार्रवाई की जाएगी। आज दिनांक 19 सितंबर 2024 को थाना पट्टी प्रतापगढ़ पर पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 220/24 अंतर्गत धारा 126-2, 115-2, 352, 351-2, 117 व 109 BNS के अभियुक्त संतोष सिंह उर्फ नन्हे पुत्र राजेंद्र सिंह तथा अरुण सिंह पुत्र तीरथ राज उर्फ भोला सिंह निवासीगढ़ बिंद मुजाही थाना पट्टी प्रतापगढ़ के विरुद्ध माननीय न्यायालय द्वारा निर्गत नोटिस अंतर्गत धारा 84 BNSS के तामीला व मुनादी की कार्रवाई अमल में लाई गई। उक्त अभियुक्त के खिलाफ अग्निविधि कार्रवाई नियमानुसार की जाए। लखनऊ में अपार्टमेंट के चौथे फ्लोर के एक फ्लैट में आग लग गई। फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने आग पर काबू पाया। फ्लैट में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। इन्वर्टर से आग लगने की बात कही जा रही है। घटना बारूद खाना इलाके की बताई गई। शासन ने नोएडा और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण और यूपी सीडा में तैनात 5 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है। इन अधिकारियों पर आरोप है कि उन्होंने ट्रांसफर के आदेश का पालन नहीं किया और अपने पदों पर बने रहे। 2-3 दिन में नई ट्रांसफर लिस्ट जारी हो सकती है। और अगली खबर प्रतापगढ़ से, जहां पर पुलिस एनकाउंटर में गैंगस्टर सूरज सिंह के पैर में गोली लगी और इसके बाद पुलिस ने गैंगस्टर को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया। चेकिंग के दौरान पुलिस को देखकर जब शातिर ने फायर कर भागने की कोशिश की तो पुलिस की जवाबी कार्रवाई में गैंगस्टर को गोली लगी। बदमाश पर चोरी, जानलेवा हमला समेत कई संगीन धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने शातिर के पास से तमंचा और कारतूस बरामद किए। मुठभेड़ के दौरान बदमाश का दूसरा साथी अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में कामयाब हो गया। पुलिस की ये कार्रवाई रामपुर मुस्तका गांव में हुई है। थाना क्षेत्र में SHO कोतवाली देहात और उनकी टीम के द्वारा चेकिंग की जा रही थी तो रामपुर मुस्तका के पास मोटरसाइकिल से 2 व्यक्ति आते दिखाई दिए। उनको रोकने का इन्होंने प्रयास किया तो फायरिंग करते हुए भागे। इन लोगों ने भी दौड़ाया और दौड़ा के इन्होंने भी अपने बचाव में फायरिंग किया तो
एक बदमाश के पैर में गोली लगी है, दूसरा बदमाश बाइक से फरार हो गया। जो बदमाश पकड़ा गया है उसका नाम सूरज सिंह और बाप का नाम लल्लू सिंह है। ये कोतवाली देहात का ही मोहनगंज चौकी क्षेत्र का रहने वाला है। बलिया में बाढ़ के चलते हालात खराब हो गए हैं। गंगा और घाघरा नदी में उफान के चलते कई घरों में पानी घुस गया है। सड़कें भी अब कटने लगी हैं और कुछ ऐसी ही तस्वीरें यहां पर सामने आई हैं बलिया से, जहां पर बाढ़ ने जबरदस्त प्रहार किया है। कन्नौज में गंगा के जलस्तर में तेजी से इजाफा हो रहा है। जलस्तर खतरे के निशान के बेहद करीब पहुंच गया है। दो गांव में बाढ़ का पानी घुस गया है। दोनों गांव के करीब 200 घर बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। प्रशासन ने बढ़ते खतरे को देखते हुए बाढ़ राहत टीमों को अलर्ट कर दिया है और बाढ़ में फंसे ग्रामीणों को राहत शिविरों में पहुंचाने का काम शुरू कर दिया है। बदायूं में गंगा नदी में आए सैलाब की वजह से दर्जनों गांव प्रभावित हैं। गांव चारों तरफ से पानी से घिर गए हैं। पानी भरने की वजह से झोपड़ियां गिरने लगी हैं। चारपाई, बैलगाड़ी और छतों पर लगा लोगों का बसेरा बदायूं की प्रभारी मंत्री गुलाब देवी ने प्रभावितों को राहत सामग्री दी, चौपाल लगाकर पीड़ितों का हाल चाल जाना और हर संभव मदद का आश्वासन दिया। अभी हमने बोला था कि 9 जगह बंद लगाए गए हैं और जहां जहां घरों में पानी आ रहा है वहां की सड़कें ऊंची की जाएंगी। आज जो राहत सामग्री बांटी गई है वो 42 किलो के करीब बांटी गई है और यहाँ 376 लोगों के लिए जो है राशन वितरण किया जा रहा है। और अभी हम जिलाधिकारी जी के साथ में वहां जा रहे हैं, जो लोग बाढ़ में फंसे हुए हैं उन्हें देखने के लिए जा रहे हैं। तो ये वो सरकार है जो सभी जाति, सभी धर्म, सभी वर्गों के लिए समान रूप से राहत दे रही है कि सभी सुरक्षित रहें। और वक्त छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटते हैं।